सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों, क्या आपको भी DI से डर लगता है? क्या आपके भी DI के क्वेश्चन नहीं निकलते हैं? तो दोस्तों, अब DI का होगा डर ख़त्म, बिल्कुल 100%। ये वीडियो आप पूरा देखना दोस्तों। अब DI तो क्या, DI का बाप भी आएगा दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको 21 जून 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर जो DI के क्वेश्चन आए हैं वो हम आपको करके दिखाएँ। इस वीडियो में आप देखना कि आप कितने आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके DI के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे और आपके अंदर जो एक डर बैठा हुआ है कि DI के क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, तो वो नहीं जो है वो शब्द हट जाएगा और आप आज से ये कहने लग जाएंगे कि हाँ, हम DI के क्वेश्चन कर सकते हैं और DI का जो डर है आपके अंदर वो निकल जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ 2 वीडियो मिलेगी। सुबह की जो वीडियो होगी वो थियोरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये 21 जून 2019 को एग्ज़ाम आया था, उसमें ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जो DI का क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसमें जो स्टेटमेंट दी हुई होती है और जो फिगर दी हुई होती है टेबल, वो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें क्या दिया हुआ है, चलिए इसमें हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित सारणी पर विचार करें जो 2012 से 2018 तक पिछले 7 वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए विभिन्न प्रकार के LED टेलीविज़न सेटों की संख्या लाखों में दिखाती है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे अलग अलग टेलीविज़न सेट दिए जिनकी स्क्रीन है 22 इंची, 24 इंची, 32 इंची, 40 इंची और 49 इंची दी हुई है। और ये यहाँ पे ईयर दी है कि 2012 में 24 इंची टेलीविज़न वो कितने बिके थे, तो ये सभी ईयर दी है और ये इंच दी है। तो यहाँ से आप ग्राफ देख सकते हैं और ये टोटल 7 ईयर यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ये समझ में आ गई है टेबल। अब इसी बेस पे हमें क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि सभी 7 वर्षों में 49 इंच आकार के टेलीविज़न सेटों की कुल बिक्री कितनी है, ये हमें बताना है। ये देखिए इसमें ये देखते हैं कि 49 इंच कौन सा दोस्तों, ये है हमारे पास, इसकी कुल बिक्री हमें बतानी है। यानी कि 2012 से लेके 2018 तक जितने सेट हमें हमारे बिके वो सभी हमें बताने हैं। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर सिंपली हमें इनका प्लस करना है, जोड़ करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे करें, ये बात यहाँ पर आती है। यहाँ पे काफ़ी जो दोस्त हैं वो क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे और आप वो ट्रेडिशनल मेथड भी लगा सकते हैं, जैसे 8 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, इस तरीके से करके वो ट्रेडिशनल मेथड भी लगा सकते हैं जो आपको स्टेबल करे। और एक मैंने तरीका आपको बताया था कि किस तरह से हम एडिशन करते हैं, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप एक बीज की संख्या ले लीजिए, कोई भी बीज की संख्या ले लीजिए, तो मैं यहाँ पे 120 जो है वो बीच की संख्या ले लेता हूँ और उनमें देखता हूँ कि कौन कितना ज़्यादा है कितना कम है। अब देखिए 118 है, 118 क्या है कि 2 कम है, 136 प्लस 16 लिख लिया हमने, 145 है वो 120 से कितना है 25 ज़्यादा है, तो ये प्लस के 25 लिख लिया। इस तरीके से हमने सारे के सारे लिख लिए। ये देखिए 100 है, 100 120 से क्या है कि 20 कम है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस के माइनस के जो कट रहे हैं उनको हम काट देंगे। ये देखिए ये 35 से ये हमारा 35 कट गया। और उसके बाद में देखिए, जैसे हमारे पास ये है प्लस के 10 है और ये माइनस के 20 है, तो यहाँ से क्या रह जाएगा, माइनस के 10 यहाँ से हमारे पास रह गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस के 2 है, ये प्लस के 16 है, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, प्लस के 14 ये हमारे पास रह गए। अब देखिए हमारे पास 3 चीज़ें रह गई,
एक तो प्लस के 14, प्लस के 25, माइनस के 10। अब देखिए ये हम फिर से काट देते हैं, माइनस 10 जब हम प्लस के 25 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा हमारे पास, 15 रह जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, प्लस के 15 और प्लस के 14, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 29 यहाँ पे हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को एक बार ध्यान में रखिए, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 29 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया, ये 29 लिख लिया, और हमने कितना माना था, 120 माना था, और ये कितने हैं, ये 7 हैं दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक है। 120 गुना में 7, 12 सत्ते 84, 840 प्लस में 29, ये हम कर देते हैं 9, 6, 8, ये कितना हो गया दोस्तों, 869। तो 869 किसके अंदर है, ये ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है। तो देख लो दोस्तों, आपके सामने कितना जल्दी मैंने फटाक से ये कर दिया। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया, अगर मैं खुद अपने हिसाब से करता तो बहुत ही जल्दी इसको कर पाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और इस तरीके से आप बहुत ही जल्द सम कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं किसी भी संख्या को। तो जैसा भी आपको सही लगे वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आप ट्राई करके ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32, 32 नंबर। इसमें इन्होंने कहा है कि 2013 की तुलना में 2017 में 32 इंच एलईडी टेलीविज़न सेटों की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या थी। अब देखिए इसने क्या कहा है, सबसे पहले 32 इंची, 32 इंची कौन सा, ये है हमारा, इसके अंदर 2013, 2013 का क्या है दोस्तों, ये है 112, और फिर 2017, 2017 में क्या है, 175। ये कह रहा कि 2013 से 2017 में जो हमारी बिक्री हुई है उसमें बिक्री बढ़ी है या घटी है वो हमें बताना है, और प्रतिशत बताना है हमें। और इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, मैंने बताया था कि फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू मतलब 2017 की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मतलब 2013 की वैल्यू, बटे में इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब यानी कि शुरू की जो वैल्यू है 2013 की, 112 गुना में हमने क्या किया था, 100 यहाँ पे किया था। ये मैंने आपको जो इससे एक वीडियो छोड़ के पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, परसेंटेज, एवरेज, रेशो किस तरह से हम निकालते हैं। तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से DI के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले के बेस पे हम किस तरह से ये करें, देखिए यहाँ पे 100, सबसे पहले हम 117 है, 175 में से माइनस करेंगे, 112 को माइनस करेंगे, और फिर 112 गुना में 100 यहाँ पे करेंगे। अब सबसे पहली बात ये आती है कि 175 में से 112 आप कर लीजिए, मैं कर लेता हूँ कितना आएगा इसे। जब हम 175 में से 112 करते हैं तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 63 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 63 हमारे पास आ गया, 175 में से 112 माइनस किया, 63 बटे में 112 गुना में 100। अब देखिए इसको जब आप सोल्व करेंगे यानी कि सॉल्यूशन करेंगे, इसको कट वगैरह करेंगे, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 56.25 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बात आती है दोस्तों, 56.25 हमारे पास आ गया, तो हम ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करें या फिर 3 पे क्लिक करें। अब देखिए हम 2 का जो ऑप्शन नंबर है वो ही राइट करेंगे, क्योंकि ये 25 है दोस्तों, 0.25 है, 0.25 को हम 56 के करीब ही मानेंगे। अगर ये 0.50 से ज़्यादा होता, जैसे 0.60 होता, तो हम 57 मान सकते थे। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो देखो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, कितने दो क्वेश्चन किए हैं हमने अभी तक, दोनों के दोनों क्वेश्चन कितने आसान हैं, और आप लोग वैसे ही DI से डरते हैं। और आगे अब हम 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं, वो भी आप देखना कितने आसान क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि किस आकार के LED टेलीविज़न सेटों की बिक्री सभी सालों में सबसे ज़्यादा है। अब देखिए इसमें हमें सभी टेलीविज़न सेट देखने हैं,
कि ये जैसे ये टेलीविज़न सेट है, इनमें से कौन से टेलीविज़न सेट की बिक्री सबसे ज़्यादा हुई है सभी सालों में, ये सभी सालों के जोड़ने हैं। अब यहाँ पे एक जो ट्रिक यूज़ करनी है वो देखिए हम क्या ट्रिक यूज़ करेंगे। कुछ दोस्त क्या करेंगे कि ये सभी के सभी जो सेट है इनका जोड़ करेंगे, जैसे 49 इंच टेलीविज़न सेट है इसका जोड़ करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका, इसका, इन सभी का करेंगे। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना दोस्तों, हमें क्या करना है कि सबसे पहले ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कौन कौन से दिए हुए हैं। 22 इंची ये दिया हुआ है, 24 इंची ये दिया हुआ है, 32 इंची ये दिया हुआ है, और फिर 49 इंची ये दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में 22 इंची यानी कि ये, 24 इंची ये रहा, 32 इंची ये रहा, और 49 इंची ये रहा, यानी कि ये चार दिए हुए हैं। तो हम 40 इंची को भूल जाएंगे एक टाइम के लिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इन चारों के अंदर हम कैसे डिफाइन करें कि किसके सेट सबसे ज़्यादा बिके हैं, किसकी बिक्री ज़्यादा हुई है। देखिए इसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले इंडिकेट कर लीजिए हमें क्या क्या निकालना है। ये हमने चारों को मार्क कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, DI के अंदर सबसे पहले हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए 24 इंची टेलीविज़न सेट लेते हैं, इसके अंदर जो 100 से कम है वो ये देखिए 85 है, 70 है, 95 है, और इसके अंदर 22 इंची के अंदर 85 कम है, और इसके अंदर 85 एक बार आया है, लेकिन 24 इंची के अंदर 3 बार जो डिजिट है वो 100 से कम हुई है, 100 से कम बिक्री हुई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये जो होगा दोस्तों 24 इंची, ये तो सबसे कम हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या बताना है, सबसे ज़्यादा निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे कम हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हो गया हमारा नेगलेक्ट हो गया। और उसके बाद में जैसे ये हमने 49 था, 49 हमने पीछे निकाला था, 669 निकाला था, तो इसका तो हमें पता ही है, ये भी एक साइड के एक टाइम के लिए छोड़ देंगे साइड में। अब बात आती है दोस्तों 22 इंची और 32 इंची, अब इन दोनों के अंदर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनकी डिजिट आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए, ये डिजिट है 100 है, 106 है, 115 है, 100 है, और 115 है, 125 है, यानी कि 125 और 1500 से ऊपर इनकी नहीं गई है। लेकिन 32 के अंदर जब हम आते तो यहाँ पे देखिए 124, 112, 160, 145, 175, 170, तो यहाँ से हमें ऑटोमेटिक तरीके से पता चल रहा है कि 22 इंची से 24 इंची से सबसे ज़्यादा बिक्री किसकी हुई है, 32 इंची की हुई है। अब बात आती है, एक 32 इंची रह गया हमारा, एक रह गया 49 इंची रह गया। अब देखिए अब इनमें भी कंपेयर करके देख लीजिए, यहाँ पे 124 है, यहाँ पे 118 है, यहाँ पे 112, 136 है, यहाँ पे 85, यहाँ पे 145 है। चलिए ये दो तो थोड़ी सी ज़्यादा है इनमें, फिर देखिए 160 है, यहाँ पे 85, 145 है, ये 100 है, ये 175 है, ये 130 है, ये 170 है, ये 155 है। तो इनसे भी आप देख सकते हैं कि ये जो 32 है, 32 की जो डिजिट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हमें लग रही है। तो और अगर आप अपना डाउट क्लियर करना चाहे तो इन दोनों को ऐड भी करके देख सकते हैं। अगर आप चाहे कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट निकलना चाहिए, तो परफेक्शन के लिए आप इन सभी डिजिट को प्लस करके देख सकते हैं। और इन इसकी जो डिजिट है वो हमने पीछे प्लस की थी, वो आई थी 869 आई थी। तो यहाँ से आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं दोस्तों, हमें सभी के सभी जोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो DI के अंदर जो मोस्टली जो 95% जो क्वेश्चन किए जाते हैं इसी तरीके से किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा 32, 32 इंची टेलीविज़न सेट, यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें जल्द से जल्द आंसर निकालना है और कितना आसान हमारा DI है। तो दोस्तों एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये है कि कई बार हम अनुमान लगाते तो वो अनुमान गलत भी हो सकता है। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो, किसी जोड़ हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने बताया था कि 22 और 24 इंची में, 32 इंची में, जैसे वैसे तो मैंने ये डिजिट दिखा दी कि ये 100 से देखिए कितना कम है, 85 कम है, 70 कम है, 95 कम है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको डाउट हो तो आप एक बार उनको प्लस करके देख लीजिए ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाए कि ये कम है, ये ज़्यादा है। देखिए अनुमान अनुमान होता है, अनुमान हमारा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो अगर आप एक्यूरेट आंसर निकालना चाहते हैं तो आप एक बार उनका कहीं भी डाउट हो तो उनका अच्छे से जोड़ करके उसको
करने की कोशिश कीजिए, और ये आप तब कीजिए जब आपके पास एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा टाइम हो, तब आप अच्छे से जोड़ करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है, तो आप अनुमान पे ही चलिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि सन 2013 और 18, सबसे पहले 2013 और 18 किसके अंदर, 24 इंची के अंदर, 40 इंच ये हो गया सन 2013, 13 का हमारा ये हो गया, और 18 का हमारा ये हो गया। सन 2013 और 18 में बिकने वाले 40 इंच के टेलीविज़न सेटों की संख्या में अंतर क्या है। अब देखिए अंतर पूछा हुआ इन्होंने, अंतर बिल्कुल आसान है दोस्तों, 110 में से -94 कर दीजिए, ये कितना आ गया, 16 आ गया हमारे पास। अब देखिए 16 तो आ गया हमारे पास, अब ये 16 क्या है, 1,60,00,000 है या फिर क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले ही हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आप भूल गए हों। ये देखिए शुरू के अंदर ये था हमारा, यहाँ पे इन्होंने दिया लाखों में, संख्या क्या है दोस्तों, लाखों में है, संख्या लाखों में दी हुई है। तो हमारा जो ये आंसर जो आएगा, ये जो डिफरेंस जो आएगा यहाँ पे, हाँ ये देखिए, ये हमने किया था 110 में से जब हम -94 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16। तो 16 क्या होगा, 16 लाख होगा दोस्तों। तो 16 लाख देखिए, ये ऑप्शन नंबर 4 है या ए है, ए है हमारा दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 16 लाख जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आप बताइए दोस्तों, ये कितना आसान क्वेश्चन, आप क्यों डरते हैं? आप खुद अपना कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना कि क्या आपको अभी भी DI से डर लगता है या नहीं लगता। अगर आपको डर नहीं लग रहा तो आप बताइए सर कि हमें डर नहीं लग रहा, एंड थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों, और इसको शेयर भी किया करो, और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दिया करो कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही है, ताकि हम आपसे प्रेरित होकर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपका DI से बिल्कुल डर ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, किस LED TV सेट के लिए सभी 7 वर्षों में कुल बिक्री न्यूनतम है। अब सब पहले हमने क्या निकाला था, अधिकतम निकाला था कि कौन से टेलीविज़न सेट सबसे ज़्यादा बिके हैं, अब क्या निकालना है, सबसे कम कौन से बिके वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं, कि इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखेंगे कि क्या क्या दिया है। ऑप्शन में हमें 22 इंची दिया है, 24 दिया है, 49 दिया है और 40 दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो 32 है, 32 इन्होंने छोड़ दिया, और 32 हमने क्या निकाला था, ये सबसे ज़्यादा बिक्री हो रहा था, तो ये इन्होंने अलग से निकाल दिया। अब देखिए, अब इसमें ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही तरीका इसके अंदर हम अपनाएंगे जो पहले अपनाया था। सबसे पहले हम 2 डिजिट ले लेते हैं, जैसे 22 और 24, इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों के अंदर कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है। ये देखिए दोस्तों, हमें एक चीज़ ध्यान में रखिए, हमें कम वाला देखना, जो कम है, सबसे ज़्यादा कम है वो हमें देखना है। ये देखिए, ये 85 है, ये कितना कम है यहाँ से, ये हम अप्रोक्सीमेट लगा के चल सकते हैं, ये हमारा 70 कम है, ये फिर है 36 कम है, फिर है ये हमारा 18 कम है, यानी कि 60, 36, 18 इतना कम हो गया। और आगे देखते हैं ये ज़्यादा कितना है, ज़्यादा भी देखिए, ये 15 ज़्यादा है, और फिर ये फिर 15 ज़्यादा है, और फिर यहाँ पे कितना ज़्यादा है, ये है हमारा 55 ज़्यादा है, और फिर ये कितना ज़्यादा है, 25 और 5, 30 ज़्यादा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा कम जो होगा वो ये होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि 22 और 24 में से किसकी बिक्री ज़्यादा हुई है, किसकी कम हुई है, ये सही से हम पता नहीं लगा पा रहे। तो इसके लिए हम अपना डाउट क्लियर करने के लिए एक एक चीज़ लिख लेते हैं, ताकि हमारा आंसर सही से आ जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम संभावनाओं पर चलते, लेकिन डाउट क्लियर करने के लिए हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख के देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। इसमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये कितना है, प्लस के 15, ये हमने 15 लिख लिए, ज़्यादा है। और ये कितने हैं दोस्तों, ये है हमारे 30, और ये है प्लस के 45 ज़्यादा, और उसके बाद में है ये है प्लस के
30 ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में कितने हैं, ये देखिए माइनस में यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस के कितने हैं, ये है 54, और 15 में कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेशन पे हमें चलना होता दोस्तों, ये है हमारे 70 यहाँ पे माइनस के लिख लिए। और फिर है 100, ये देखिए ये कितना है 36, यानी कि ये माइनस के 36 यहाँ पे हमने लिख लिए। तब उसके बाद में है ये है 106, 106 124 से कितना कम है, ये है 18 कम है दोस्तों, ये हमने यहाँ पे 18 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 36, माइनस के 70 और माइनस के 18, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये देखिए 15 और 45, 15 और 45 को करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा, इन दोनों का आ गया 60, और ये है हमारे प्लस के 30। अब देखिए इसके अंदर क्या हो गया, 30 और 60 ये हो गया 90 हो गया, और इसके अंदर देखिए 90 तो यही हो गया, 100, 106 तो यही हो गया हमारा, और 18 ये हो गया, तो यानी कि ये माइनस के ज़्यादा है, ये जो है दोस्तों ये जो 22 और 24 के अंदर 22 जो है ये इसकी बिक्री सबसे कम होगी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और एक और जो दूसरा तरीका मैं आपको जैसे बताता हुआ आ रहा हूँ, ट्रेडिशनल जो मेथड है हमारा उसमें आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं हो सकते। आप क्या कीजिए, उसमें टाइम आपका थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर लगेगा, आप इनको जो हम शुरू से जिस तरीके से प्लस करते हुए आ रहे हैं, 85 को प्लस कर लीजिए, 100 को, 106 को, 115 को, इन सभी को प्लस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, और इन दोनों में देख लीजिए कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने अभी तरीका बताया था कि ये देख लीजिए कितना ज़्यादा ये कितना ज़्यादा, उसमें काफ़ी दोस्तों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जैसा भी आपको स्टेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने जो तरीका बताया था उस हिसाब से क्या है, ये सबसे हमारा कम है। अब ये दो तो हमने फाइनल कर लिए दोस्तों, ये कर लिया ये कर लिया, तो इसके अंदर क्या आया हमारा, ये 22 है ये 24 से कम है। अब बात आती है 40 और 49 के अंदर बात आती है। अब देखिए इन दोनों के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कम है और कौन ज़्यादा है। तो यही जो तरीका आप लगा सकते हैं जो मैंने अभी लगाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन जो है, सॉरी ब्लू जो है वो 118 से कम है, ये कम है ये कम है, ये तो इस तरीके से आप कम देख सकते हैं। इसमें देखिए 49 और 40 के अंदर जो ब्लू है वो सारे के सारे कम दिए हुए हैं, इसमें से सारे के सारे ये कम हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 49 और 40 के अंदर क्या होगा, 40 कम हो जाएगा 49 से, ठीक है। और अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, एक 22 बच गया और एक हमारे पास 40 बच गया, 22 और 40 ये दो चीज़ हमारे पास बच गई। अब इन दोनों के अंदर देखिए कौन कम है और कौन ज़्यादा है। अब देखिए ये 85 112 से कम है, ठीक है, ये बड़ा हो गया, 94 से बड़ा हो गया, और 106 है फिर ये कम है, फिर 115 है ये ज़्यादा है, फिर 100 है ये भी ज़्यादा है 85 से, और फिर 115 है ये भी ज़्यादा है, और 125 है ये भी ज़्यादा है, तो यानी कि ये सारे के सारे लगभग ज़्यादा आ रहे हैं 40 वाली डिजिट से। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जो 40 के जो सेट है वो सबसे कम बिक्री हुई है, 40 वाले सेटों की सबसे कम बिक्री हुई है। और आप देख लेना दोस्तों, यहाँ पे आप निकाल के देखना, आंसर निकाल के देखना, इनका प्लस करके देखना चारों का, और फिर देखना जहाँ तक मेरा आइडिया है 40 ही इसका आंसर आएगा, 40 मीन्स ये इसका आंसर आएगा, 4 इसका आंसर आएगा। और कई दोस्त जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर नंबर 3 दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर गलत भी हो सकता है दोस्तों, ये आंसर गलत है। आप सही से देखना, इनका जोड़ करके देखना, 22 का, 24 का, 40 का, 49 का, और देखना कि इसका आंसर 3 आ रहा है या 4 आ रहा है। आप सभी अपने अपने जवाब है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितना कुछ आ रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर DI का जो डर है वो काफ़ी हद तक निकल गया होगा। और एक और वीडियो भी हमने बनाई थी दोस्तों, कल इवनिंग को बनाई थी, उसके अंदर भी हमने जून 2019 का पेपर करवाया था, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आए थे और किस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपके अंदर DI का जो डर है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए यहाँ पे
व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कमेंट भी लिख सकते हैं हमें यूट्यूब के ऊपर। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।